प्रधानमंत्री आवास का सच मैं दिखाऊं उसके पहले आपके टीवी स्क्रीन पर कुछ दिखाना चाहता हूं। देखिए, गौर से देखिए, अब मैं आपको बताता हूं ये है क्या। जब आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस समय जो बिल्डिंग देख रहे हैं, इस बिल्डिंग पर जब माँ काम करने जाती थी तो अपने बच्चे को यहीं पर कपड़े का, अपनी साड़ी को फाड़ के झूला बना देती थी, बच्चे को यहाँ पर रखती थी, उसके बाद इस बिल्डिंग में काम करती। आज दुर्भाग्य देखिए, कोरोना काल जब से चालू हुआ यहाँ पर एक भी लेबर नहीं है, एक भी लेबर नहीं है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, लेबर ना होने की वजह से काम बंद, काम बंद होने की वजह ठेकेदारों द्वारा भुगतान लेबर को ना करना, ठेकेदार का साफ कहना सरकार पैसे ही नहीं दे रही, मेरे 25 करोड़ रुपए पकाया। हम आ पहुंचे जमीनी हकीकत जानने। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा था मध्य प्रदेश में 175 लोग, और वह भी 46 दिनों में। कोरोना काल को हमने किस तरीके से बुनाया, 46 दिनों में हमने आवास बनाकर उनको रहने के लिए दे दिए। हम आ पहुंचे हैं ऐसे ही एक निर्माणाधीन, आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे होंगे, यहां पर प्रधानमंत्री आवास भारी मात्रा में बने हुए हैं। लगभग 400 के आसपास यहां पर मकान बने हुए हैं। आप यहां से देखें, मैं आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाऊंगा, जहां तक आपकी नज़र जा रही होगी केवल और केवल प्रधानमंत्री आवास के मकान ही आपको बने हुए दिखाई दे रहे होंगे। माना जा सकता है ये मकान बन तो गए, लेकिन हकीकत में आज तक यहाँ पर कोई भी बाशिंदा आके रह नहीं रहा है। उसकी वजह क्या है, हम जानेंगे अतुल उपाध्याय जी से, जो इस बिल्डिंग को बना रहे हैं। कहा जा सकता है शिल्पकार हैं, नगर निगम के सौजन्य से इनको काम मिला था, अब ये काम कर रहे हैं। और इस समय कोरोना काल के दौरान यहाँ पर कोई भी कर्मचारी, कोई भी लेबर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, हम उन्हीं से जानेंगे ऐसा क्यों। ये प्रधानमंत्री आवास, माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना का कार्य काफ़ी अच्छी गति से चल रहा था। पिछले करीब 7-8 महीने से कार्य के भुगतान नहीं होने के कारण ये कार्य बंद पड़ा हुआ है। क्या आपको लगता है कि निकट भविष्य में ये काम आप स्टार्ट करेंगे, और किस तरीके से आप, कि कितने पैसे आपके अभी तक मिले और कब से नहीं मिले पैसे? पैसे का कार्य का भुगतान पिछले मार्च 2019 के किए गए कार्य का भी अभी तक नहीं हुआ है। पेमेंट लगभग 7-8 महीने से कोई पेमेंट हमको नहीं मिला। कोरोना काल का असर, प्रधानमंत्री ने कहा था कोरोना काल को हमने अवसर की तरह बुनाया। यहां पर 400 के आसपास मकान आप अपने टीवी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, उनमें से 25 करोड़ रुपए, 97 करोड़ से ज्यादा का काम यहां काम करने वाली कंपनी ने कर दिए, लेकिन अभी उनके 25 करोड़ से ज्यादा का भुगतान नहीं हो पाया है। कोरोना काल के दौरान एक भी पैसा कंपनी को नहीं मिला। आप सोचिए, कोरोना काल के दौरान जब एक भी पैसा कंपनी को नहीं मिला तो कंपनी अपने कर्मचारियों को किस तरीके से काम देगी, किस तरीके से उनके रोजी रोटी की व्यवस्था करेगी। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखिए, किसी भी तरीके से एक भी लेबर यहां पर काम करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। माना जा सकता है कोरोना काल को अवसर की तरह नहीं भुनाया गया, ये इस बात का ठोस सबूत है कि यहां पर काम ही बंद है, काम ही बंद है। जब काम ही बंद है, सरकार पैसे नहीं देगी तो निश्चित रूप से ठेकेदार काम नहीं करेगा, और जब काम नहीं करेगा तो लेबर को किसी भी तरीके से रोजगार नहीं मिलेगा, और रोजगार ना मिलने का सीधा सा मतलब है उसको भूखे मरना। कहा जा सकता है एक अच्छे दिल से तैयार की गई योजना का इससे बुरा हाल कहीं नहीं हो सकता। पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने कहा था हमने आपदा को अवसर में बदला, जिसके चलते प्रदेश में 175 मकानों को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास के तहत लोगों को सौंप दिया, लेकिन शहरी क्षेत्रों में स्थितियां कुछ अलग है। इसी के चलते हम रीवा नगर निगम में आ पहुंचे हैं नोडल अधिकारी, आपसे ही हम जानते समझते हैं शहरी क्षेत्रों में क्या है स्थिति। सर, हितग्राहियों को जिनका आवंटन, जिनको लगभग 1.5 साल पहले आवंटित किया गया था, अभी तक न तो उन्होंने अपने से उनको भी अपना शेयर देना है, हितग्राही अंशदान उनको भी देना है,
समय मिला था वो इसी बात के लिए मिला था कि किस्तों में हमारे पास चाहते तो दे देते या बैंक से फाइनेंस करा के दे देते, लेकिन बार बार उनको नोटिस इशू करने के बाद, उनको फ़ोन से सूचित करने के बाद, बुला के कहने के बाद भी अधिकांश हितग्राहियों द्वारा अपना अंशदान अभी तक जमा नहीं किया गया है। चूँकि धन हितग्राही अंशदान से राशि प्राप्त होगी और ठेकेदार को पेमेंट किया जा सकता है, नगर निगम अपने मत से जो संभव था करीब 69 करोड़ रुपए से खर्च कर दिया है, विभाग जो शासन से हमको 53.76 करोड़ मिले थे वो व्यय किए जा चुके हैं, ठेकेदार का कुछ देय कभी भुगतान नहीं हो पाया है जिसके वजह से उसने काम रोक दिया है, उसको शीघ्र भुगतान किए जाने की प्रयास किया जा रहा है जैसे, और कार्य पूरा से चालू कराने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से मैं तो यही कहूँगा कि हितग्राहियों द्वारा समय पर अपने अंशदान का की पूर्ति नहीं की गई जिसके वजह से हम कहीं ना कहीं धन हमारे पास धनराशि की समस्या आई और हम ठेकेदार का भुगतान नहीं कर पाए और काम कुछ महीनों से बंद पड़ा है। जिस तरीके से वहाँ पर काम रुका पड़ा है, साफ तौर से आपका कहना था हितग्राही पैसे ही नहीं दे रहे, जिनको मकान हमने अलाट कर दिया है उनको अपना हिस्सा देना, जैसे ही वो अपना हिस्सा देंगे ये सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और जो परिसर अभी आप अपने टीवी स्क्रीन पर खाली देख रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर लोगों से भर जाएंगे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।